हे गाइस, मेरा नाम अंकित है। आज हम बात करेंगे कि अगर आपको किसी ऐप में कोई बग मिलता है या किसी सर्विस या किसी एप्लीकेशन में आपको कोई बग मिलता है, तब आप जो वो रिपोर्ट बनाएंगे और उसको कंपनी को भेजेंगे, तो उस रिपोर्ट को आपको कैसे फ्रेम करना है कि जो आप बात कहना चाहते हैं उस कंपनी को, वो बात बहुत क्लियरली और बहुत कम शब्दों में आप उनको बता पाएं। तो कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले की पॉइंट से सबसे पहले चीज़ जो आपको उस रिपोर्ट में मेंशन करनी है वो होगी वल्नरेबिलिटी, कि जो आपको वल्नरेबिलिटी मिली है वो कौन सी है। एक्सएसएस हो सकती है, सीएसआरएफ हो सकती है, आपकी एलएफआई है, आरएफआई है। पहली चीज़ आपको वो मेंशन करनी है। उसके बाद उसकी आपको सेवरिटी बतानी है कि हाई है, लो है, क्रिटिकल है, कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। उसके बाद आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन देना है उसके बारे में कि वो जो वल्नरेबिलिटी है वो करती है तो क्या करती है वो, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है इंस्टेंस। इंस्टेंस का मतलब वो कौन सी लिंक पर है या कौन सी जगह पर है या उसका यूआरएल क्या है। इंस्टेंस में आप वो बताएंगे और आपका पेलोड भी इंस्टेंस में आएगा। उसके बाद आप उनको देंगे पीओसी। पीओसी मतलब प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, या तो आप स्क्रीनशॉट दे सकते हैं उसका या आप उनको वीडियो बना के देंगे उसका, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका स्टेप्स फॉर रिप्रोड्यूस, स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस। इसमें कि आप जो वो वल्नरेबिलिटी है आप उसको कैसे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, आप उन डेवलपर को बताएंगे कि आप ये स्टेप्स फॉलो करिए और आप भी एबल होंगे इस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद इस वल्नरेबिलिटी का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सिस्टम पे, आपको ये बताना है। उसके बाद आपको बताना उसके मिटिगेशंस क्या क्या है। आप गूगल करेंगे तो आपको इजिली मिल जाएंगे। उसके बाद आप चाहें तो कोई रेफरेंस अगर आपके पास है तो आप उनको कोई रेफरेंस भी दे सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई बग मिला, लेट सपोज किसी एप्लीकेशन में वो एक्सएसएस है, तो आप जाएंगे ओवास्प या सीवी, उसका आप उनको वो बता सकते हैं कि ये अटैक इस टाइम पर हुआ था और इससे इतना चीज़ें कॉम्प्रोमाइज हुई थी, या उसकी सेवरिटी, आप कुछ भी यहाँ से रेफरेंस में अगर कुछ भी आप लेना चाहें तो वो वहाँ से देख के उनको बता सकते हैं। तो सेम इन्हीं की पॉइंट्स में मैंने एक डमी रिपोर्ट बनाई है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ताकि आपको इससे आइडिया हो जाए कि आपको अगर रिपोर्ट बनाते हैं तो उस रिपोर्ट को कैसे डिज़ाइन करना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था वल्नरेबिलिटी में, हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं एक्सएसएस का, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। रिफ्लेक्टेड है तो रिफ्लेक्टेड आप यहाँ पे बता दीजिए, ठीक है। सेवरिटी हाई, लो, मीडियम, जो भी आप यहाँ पे बताइए। डिस्क्रिप्शन में आप ये बताइए कि वो जो एक्सएसएस है वो काम कैसे करता है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में अगर आप सीएसआरएफ है तो सीएसआरएफ कैसे काम करता है, एलएफआई है, आरएफआई है तो वो कैसे काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो मैंने बताया था आपको इंस्टेंस, इंस्टेंस कौन से यूआरएल पे लग रहा है, ठीक है। और पेलोड, क्या पेलोड आपने डाला कि कैसे वो एक्सप्लॉइट हो गया, ठीक है। उसके बाद प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट में आपको स्क्रीनशॉट्स देने हैं, चाहे तो आप वीडियो भी अटैच कर सकते हैं। उसके बाद कैसे वो आपने जो वल्नरेबिलिटी है उसको रिप्रोड्यूस करने के क्या क्या स्टेप्स हैं, उसके बाद उस वल्नरेबिलिटी से क्या क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। सेशन हाईजैक हो सकता है, फिशिंग हो सकती है, डिफेसमेंट हो सकता है, कुकी स्टेलिंग हो सकती है, ओपन रिडायरेक्शन हो सकता है। मिटिगेशन, कि जब भी यूजर कोई इनपुट डाल रहा है तो हम उसको सर्वर साइड पे प्रोसेस करने से पहले उसको वैलिडेट करें, या हम उसकी इनकोडिंग भी कर सकते हैं। रेफरेंस में जैसे मैंने आपको बताया ओवास्प, सीवीई या एनबीडी का आप कोई भी रेफरेंस दे सके, उनको समझा सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो हो गई। उसके बाद ये आप रिपोर्ट जब भी आप उनको मेल करेंगे तो आप चाहें तो ये आप एज इट इज़ भेज सकते हैं, या फिर आप उसको इनक्रिप्ट करके भेज सकते हैं, और मेल में आप उनको बता दीजिए कि हमें ये ऐसा बग मिला और आप एक्नॉलेज करिए और हम वेट कर रहे हैं ऐसा करके, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।